हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद की प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, इस तरह की बैठक हर सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को सभी उपायुक्तों के साथ बातचीत करने के लिए शुरू की गई है, ताकि विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आढ़तियों के साथ बैठक की गई, जिसके दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि खरीद के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठक के दौरान उपायुक्तों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मंडियों में सुचारू रूप से खरीद प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आढ़तियों के साथ निरंतर वार्ता की जानी चाहिए और ये सुनिश्चित करें कि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, साथ ही मंडियों में गेट पास, कंप्यूटर ऑपरेटर, पेयजल और शौचालय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।